एक पैन में हम लोग 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, 1 बड़ा चम्मच बटर लेंगे और उसको हम लोग मेल्ट कर लेंगे। एक छोटा चम्मच जीरा डालिए और उसको अच्छे से कुक कर लीजिए। अब उसमें 1 इंच सिनेमन स्टिक, 2 तेज़पत्ता और 4 से 5 हरी इलायची डालेंगे और उसको भी हम लोग 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब उसमें 2 मीडियम साइज़ अनियन डालेंगे स्लाइस किए हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 1 हरी मिर्ची कटी हुई, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डालिए और उसको हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक हमारा अनियन ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाता। अब उसमें 4 मीडियम साइज़ टमाटर डालिए, 15 से 20 काजू और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डालिए, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से चला लेंगे। उसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पैन को हम लोग कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, हम लोग गैस बंद कर देंगे और जो होल स्पाइसेस हैं उसको हम लोग निकाल देंगे। देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम लोग एक ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारी एकदम स्मूथ प्यूरी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है इसका। अब इसको हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे ताकि उसमें जो भी कैश्यू के या कुछ टमाटर के टुकड़े वो रह गए हैं वो सब निकल जाएं और हमें एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाएगा। अब इसको आप साइड में रख दीजिए। अब एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लीजिए, 2 बड़े चम्मच बटर लीजिए और उसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। अब उसमें एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे और उसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी अनियन ठीक से पक नहीं जाती। अब उसमें एक छोटा टमाटर डालिए बारीक कटा हुआ और उसको अच्छे से चला लीजिए। पैन को हम कवर करेंगे और हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाते। देखिए हमारे टमाटर पूरी तरह से पक चुके हैं। अब उसमें हम लोग 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 30 सेकंड के लिए हम उसको कुक कर लेंगे। अब उसमें जो हमने प्यूरी रेडी किया था उसको हम लोग डाल देंगे और अच्छी तरह से उसको हम मिक्स कर लेंगे। अब उसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसको हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। बीच बीच में आप उसको चलाते ज़रूर रहिएगा। और उसमें 1/4 कप हम लोग पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसे हमें पैन को कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। अब देखिए उसमें हम लोग 200 ग्राम पनीर डालेंगे और हल्के हाथ से चलाएंगे, नहीं तो हमारे पनीर टूट जाएगा। अब उसको हम लोग 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में आप उसको चलाते रहिएगा। 1/2 छोटा चम्मच नमक और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच हम लोग फ्रेश क्रीम डालेंगे और उसको भी हम हल्के हाथ से चला लेंगे। अब उसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे,
कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसको हम लोग ने अच्छे से मिक्स कर लिया और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब उसमें हम लोग 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा पनीर बटर मसाला बिल्कुल तैयार है। इंजॉय।